राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना मूल द्वारा मंगलवार को टावर चौक पर मंत्री मोहन यादव का पुतला फूंका गया। करणी सेना का आरोप है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उपचुनाव में प्रचार के दौरान आगर विधानसभा क्षेत्र में राजपूत समाज के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसी बात का विरोध करते हुए करणी सेना ने पुतला फूंका और मंत्री से माफी मांगने को कहा। वहीं करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि मंत्री यादव माफी नहीं मांगते हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव जी का पुतला जलाया क्योंकि उन्होंने कल तनोडिया में एक चुनाव सभा में हमारे समाज के खिलाफ गलत टिप्पणी करी, तो जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर जो जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उनका विरोध जारी रहेगा, क्योंकि हमने किसी भी पार्टी या सरकार का हमने कभी विरोध नहीं करा। जो भी सही NRC हुआ या जो भी ये बिल लेके आए, हमने हर चीज़ का समर्थन करा। जबकि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि राजपूत समाज का इस देश को बढ़ाने में, सरकार बनाने में और सब में अमूल्य योगदान रहा है आज़ादी के समय से ही लेके। अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये शब्द कहते हैं और वहीं पे मोहन यादव उनके विधायक राजपूत समाज के खिलाफ गलत टिप्पणी करते हैं, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोग हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मामूली बात नहीं है। मर्जियाए जो कर देंगे, इनको लिया है, उनको लिया है, पता नहीं किस नकली राजा के छोरे को लिया है। अरे वो राजा के ठिकाने नहीं पड़े, उसके छोरे के क्या ठिकाने पड़ेंगे? सबको ठिकाने लगा देंगे, तेरे को भी देख लेंगे, तेरे राजा महाराजा को भी देख लेंगे, कहीं कोई पता नहीं पड़ रहा है। ऐसे कई आएंगे, कई चले जाएंगे। जिस वर्तमान वातावरण में हम जी रहे हैं, ये स्वाभिमान के साथ जीने वाले लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर चलने वाले कदम से कदम मिला के चलने